दुर्ग जिले के भिलाई नगर थाना सेक्टर 6 स्थित महिला थाने में सोमवार रात लव मैरिज को लेकर जमकर बवाल हुआ। लड़की पक्ष और लड़के पक्ष में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान युवती के ससुर का सिर फूट गया। थाने में बवाल का वीडियो भी सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक बीएसपी के अधिकारी स्वतंत्र तामरकार की बेटी शेवी तामरकार ने 6 नवंबर को रायपुर निवासी आशुतोष देशपांडे के लव मैरिज कर ली। बताया जा रहा है कि शेवी जिस स्कूल में पढ़ाती थी उसी स्कूल में आशुतोष ड्राइवर है। दरअसल शेवी तामरकार जब घर से भागी तो घर वालों ने भिलाई थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस लड़की की तलाश कर रही थी कि इसी दौरान लड़की और लड़का नेवई थाने पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों के बालिक होने और दोनों की मर्जी से रायपुर के आर्य समाज मंदिर में शादी करने की बात कही। थाना प्रभारी आनंद शुक्ला ने दोनों के बयान लेने के बाद जाने दिया, लेकिन लड़की के पिता ने मामले की शिकायत थाने में की थी, इसलिए दोनों लड़का लड़की को महिला थाने बयान के लिए बुलाया गया था। लड़की अपने पति ससुर और रायपुर की दो महिला अधिवक्ता के साथ बयान दर्ज कराने पहुंची थी। इसी दौरान भिलाई सेक्टर 6 स्थित महिला थाने में लड़की के माता पिता मामा और अन्य लोग आ गए। महिला थाने में दोनों पक्षों के बीच बहस होने लगी। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बहस और हुच्चतबाजी का वीडियो भी सामने आया। इस दौरान पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। नवविवाहिता शेवी का आरोप है कि वह अपने ससुर और पति के साथ बयान दर्ज करा ही रही थी कि इसी दौरान उसके मामा पापा और माँ आए, गला पकड़कर उसे मारने लगे। उन दोनों ने उसके ससुर को भी पीटा, जिससे उनका सर फट गया और खून बहने लगा। मैं अपने मर्जी से 6 तारीख को रायपुर जाके आर्य समाज में शादी की थी। इसके पहले मैंने अपने घर में ये बात रखी थी कि मुझे इस इंसान से, जिनका नाम आशुतोष देशपांडे है, उनसे शादी करनी है। मेरे घर वालों ने पहले दिन मुझे बोला कि हम करवाएंगे, उसके बाद इनकार गए, मुकर गए, हर चीज से मुकर गए। मैंने भी बोला कि मैं अगर नहीं करवाऊंगी मुझे मेरी शादी इनसे, मैं आत्महत्या कर लूंगी। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं कर, हम लोग का बदनामी होगा। लेकिन उनको बदनामी का डर था, मेरे खोने का डर नहीं था। मैंने अपने मर्जी से घर से बाहर जाके इनसे रायपुर में आर्य समाज में शादी की है। शादी करने के उपरांत मैं तुरंत निवई थाना में अपना बयान देने आई कि मैं इनसे शादी की हूं। तब मुझे वहां जाके मालूम चला कि वहां मेरी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। वहां सबका कथन हुआ, जितने लोग शामिल थे शादी में उनका बयान लिया गया। जितने लोग थे, टीआई आनंद शुक्ला जी थे वहां पे हेम प्रकाश नायक जो डीएसपी थे वो भी आए। उन्होंने मुझे मेरे पति को सुपुत्र किया, वहां पे मेरा कथन लिया गया। मैंने अपनी मर्जी से वहां भी कथन दिया कि हाँ, मुझे अपने परिवार मतलब अपने पति और अपने ससुराल वालों के साथ जाना है। उसके बाद अगले दिन मेरे माँ बाप आए, मुझे मेरा तर्पण कराने का मुझे धमकी दिया। फिर हाथापाई हुआ। अगले 2-4 दिन बाद मेरे मामा, जिनका नाम प्रबोध ताम्रकार है, वो आए। उन्होंने मुझे प्यार से बात किया। अगले दिन मेरे घर में, जब मैं नहीं थी, मेरे अकेले दादा ससुर थे जो 80 साल से ऊपर है, उनके साथ आके 1 घंटे बातचीत की। मुझे बोला गया मैं 2 लोग को लेके आया हूँ, लेकिन 3-4 लोग को लेके आए। मेरे आने के बाद मुझसे बहस करके वो सारे मोहल्ले को इकट्ठा किए, वहाँ पे बदनामी किया हमारा। हम अगले दिन जाके स्टेशन में इस चीज का बताया है कि हमने कंप्लेन दिया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। शनिवार की शाम को मुझे 6 बजे बुलाया गया स्टेशन खमतराई में कि आपके माँ बाप आपसे मिलने आए हैं, 2 लोग हैं। वहाँ जाने के उपरांत पता चला कि वहाँ 15-20 लोग थे। वहाँ पे मुझे दुर्ग की पुलिस टीम आई थी। उन्होंने ये बोला गया कि मेरा पति और मैं चरित्रहीन है, इसलिए वो नहीं चाहते ये शादी हो। जो मेरा गवाह थी उनके ऊपर भी उन्होंने चरित्रहीन होने का नाम लगाया। हम लोग SDM के पास क्या बोलते हैं, कुछ बयान देने के बाद हम लोग को जो खुशबू मैडम है जो यहाँ की इंचार्ज, वो बोले कि हमको यहाँ पर एक और बयान देना करके, तो उसके नाम से हमको लेके आई और बोले कि हमारे पूरा प्रोडक्शन में हम आप चलेंगे, कुछ भी नहीं होगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे 8-10 पुलिस वाले जमा हो गए। उसके बाद उसके परिवार वाले आए और अचानक एक साथ घुस के, जो हम लोग रूम में एप्लीकेशन वहाँ पर बयान दे रहे थे, अचानक घुस के हमारे ऊपर हमला कर उसके तीनों चार महिला थाने के अंदर। तो आपको कोई बचाया नहीं? कोई नहीं, किसी ने कोई बचाया नहीं, बचाया नहीं। और उन्होंने गाड़ी, आप अपना परिचय बताइए पहले। मैं शेवी का हस्बैंड हूँ, अभी हमने शादी की 6 तारीख को। उन्होंने अपनी गाड़ी, नाम है आपका? आशुतोष देशपांडे। कहाँ रहते हैं? रायपुर में। क्या काम करते हैं आप? ट्रेवल्स का काम है सर। अच्छा, तो उन्होंने अपनी गाड़ी पूरा पहले से प्लानिंग था, पुलिस वाले के साथ मिले हुए थे, पूरे गाड़ी लगा के उन्होंने प्लानिंग करके अंदर आए, बहुत मारा पीटी किए, सबको मारे हैं। मेरी उसको शेवी का गला दबाया है, फटा भी है, पूरा निशान आया है ना। अभी क्या चाह रहे हो आप? अभी क्या चाहते हो? अभी क्या चाहेंगे सर? इंसाफ मिलना चाहिए और हमको आगे दिक्कत ना हो। और FIR नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बोल रहे हैं कि आवेदन दीजिए, बाद में पहले जांच करेंगे करके, उसके बाद FIR होगा।